द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड। कहानी शुरू होती है और हम सन 2003 का टाइम देखते हैं। मैक्सिको के एक रास्ते से एक आदमी डॉक्टर नेल्सन रात में कहीं जा रहा था। असल में वो चर्च के फादर पीटर से मिलने आया था। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो उन्हें लेकर एक घर में आ जाता है जहाँ एक लड़की मैगेली डीमन से बुरी तरह पजेस्ड थी। डीमन ने उसकी हालत काफी खराब कर दी थी। फादर पीटर अपने पहले एग्जॉर्सिज्म के लिए आए थे, इस वजह से वो काफी डर भी रहे थे। इसके बाद वो अपने साथी फादर माइकल को कॉल करता है जो कि इस टाइम लंदन में था। पीटर उससे एक्सोर्सिज्म शुरू करने को कहता है, लेकिन माइकल मना करता है और कहता है कि तुमने अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी भी नहीं की है, इस वजह से शैतान तुम पर भी कब्जा कर सकता है। लेकिन पीटर कहता है कि इस लड़की की हालत काफी खराब है, मुझे एक्सोर्सिज्म करना ही होगा। माइकल एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन नहीं देता। इसके बाद पीटर फोन रख कर खुद अकेले ही एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देता है। वो पहले कमरे में से सबको बाहर भेज देता है और उस डीमन पर अपना एक्सोर्सिज्म करना शुरू करता है। पीटर एक्सोर्सिज्म करते वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, इससे वो आगे के लिए प्रूफ रख सके। अब ये डीमन काफी पावरफुल था, जिस वजह से आसानी से मैगेली की बॉडी से बाहर नहीं जाता। वो डीमन मैगेली के कपड़े फाड़कर पीटर को सीड्यूस करने लगता है। उसे पता लग जाता है कि पीटर मैगेली से कहीं ना कहीं प्यार करता है, क्योंकि मैगेली उसी चर्च में मदर है जिसमें पीटर रहता था। इस बात का फायदा डीमन उठाने लगता है। अब पीटर उसकी बॉडी से अपना ध्यान हटाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन डीमन लगातार उसे सीड्यूस करने लगता है। उस दिन में मैगेली पीछे बेड पर गिर जाती है। अब जैसे ही पीटर उसे चेक करने जाता है, मैगेली के भेष में डीमन उसे किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फादर पीटर खुद को रोकने की काफी कोशिश करता है और कुछ देर में डीमन मैगेली की बॉडी छोड़कर पीटर की बॉडी में घुस जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। हेयर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम 18 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक जेल में गार्ड बंदियों को खाना दे रहे थे। जैसे ही वो एक लॉकअप में अपना हाथ डालता है, तभी अंदर से कोई उसके हाथ की उंगली खा जाता है। दूसरा गार्ड आकर उसे किसी तरह बचा लेता है, यानी उसके अंदर एक पजेस्ड बंदी भी था। सीन चेंज होता है और हम फादर पीटर को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक थे और वो अब गरीबों को खाना देकर उनकी मदद कर रहे थे। एक दिन एक लेडी पीटर से मदद लेने आती है। वो कहती है कि कुछ टाइम से मेरा बेटा काफी बीमार है। पीटर उसके घर जाकर होली वाटर से चेक करता है, लेकिन वो लड़का कोई अजीब हरकत नहीं करता। इसका मतलब था कि वो बीमार है, न कि पजस्ड। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर नेल्सन उसे बताते हैं कि शहर में एक अजीब तरीके का वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। इसके बाद पीटर सब बच्चों के लिए चर्च में प्रे करता है, इससे सब बच्चे ठीक हो जाएं। फिर यहाँ नेल्सन आता है और बताता है कि इस हफ्ते ही बीमारी की वजह से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। पीटर मैगेली के साथ हुए उस इंसिडेंट के बारे में अब तक खुद को दोषी मान रहा था। वो इस बारे में चर्च के लीडर बिशप से बात करता है और कहता है कि काफी टाइम पहले उससे एक पाप हो गया, लेकिन बिशप कहते हैं कि जो हुआ भूल जाओ, तुमने काफी लोगों की मदद की है और गॉड तुम्हारे साथ है। पीटर उन्हें यहाँ उसी रात की वीडियो क्लिप देने आया होता है, जिसमें वो मैगेली के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन उसे देने की हिम्मत नहीं होती। खैर, बिशप उसे कुछ फंडिंग यानी पैसे दे देते हैं, इससे वो बीमार बच्चों की हेल्प कर पाए। अब पीटर उन पैसों से बच्चों के इलाज के लिए काफी सामान लाता है। अब रात में पीटर गॉड के सामने खुद को फिर से उस बात का दोषी मानने लगता है, तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब वो चर्च में देखने चला जाता है। वहाँ उसे अजीब से चलने के निशान मिलते हैं, जिसके बाद वो उनका पीछा करने लगता है। तभी अचानक उसके सामने डीमन से पजेस्ड एक इंसान आ जाता है। इसे देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना है। इसके बाद फिर से डीमन उसके पीछे से आकर अटैक कर देता है, लेकिन ये भी एक सपना ही होता है। इसके बाद पीटर अपनी नींद से जाग जाता है और तभी उसे उसी जेल वाले गार्ड का फोन आता है जहां वो डीमन कैद था। वो गार्ड पीटर से कहता है कि यहां पर एक कैदी की हालत ज्यादा खराब है, वो उसे जेल में देखने आने को कहता है। अगले दिन पीटर उसे देखने के लिए नेल्सन को भी अपने साथ ले जाता है। अब वो उसी जेल के अंदर आकर उसे देखने लगते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक लड़की बुरी तरह से डीमन के कब्जे में है। यहाँ वो डीमन उन सभी को डराने लगता है और वैसा ही करता है जैसा मैगेली वाला डीमन कर रहा था। खैर, पीटर यहाँ कोई एक्सोर्सिज्म किए बिना सेल से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही वो उससे बाहर आते हैं, उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, इससे उन सभी को काफी तकलीफ होती है। इसके बाद दूसरे कमरे में वो उसी गार्ड के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ मैगेली आती है और हमें पता चलता है कि वो सेल वाली लड़की और कोई नहीं, पीटर और मैगेली की बेटी एस्पेरांजा है। असल में 18 साल पहले जब वो दोनों डीमन की वजह से इंटीमेट हो रहे थे, तो डीमन पीटर के जरिए उनके होने वाले बच्चे में चला गया और तभी से उसकी बेटी ऐसी ही है। पीटर बाहर आकर मैगेली से कहता है कि मैं उस टाइम एक डीमन के कब्जे में था और इसी वजह से डीमन मेरे जरिए वो सब कर रहा था। मैगेली उससे अपनी बेटी को बचाने को कहती है।
उसी रात जब पीटर सो रहा होता है तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर कोई है। तभी पीटर की आंख खुलती है और उसे फिर से वो डीमन दिखने लगता है जो कि चर्च में था। हम देखते हैं कि वो चर्च वाला डीमन खुद जीसस ही थे जो कि पीटर के सपने में उसे एक डीमन की तरह दिख रहे थे। अगले दिन पीटर हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उस लड़के की मौत हो गई है इसे वो लेकर आया था। नेल्सन बताता है कि उसकी मौत वायरस की वजह से नहीं हुई है। पीटर समझ जाता है कि उसकी मौत एक डीमन की वजह से हुई है। उस लड़के की माँ यहाँ आती है और अपने बेटे की मौत पर काफी दुखी होती है। इसके बाद पीटर उस लड़के की मौत पर प्रे करने लगता है। इस पर उस लड़के की माँ कहती है कि इस दुनिया में गॉड ही मौजूद नहीं है। वो ये केवल अपने बेटे के दुख में बोल रही थी। रात में पीटर जब बच्चों के साथ खेल रहा होता है वह मैगेली आती है। पीटर को खेलता देखकर उसे वो दिन याद आते हैं जब वो भी चर्च में काम करती थी। पीटर अपनी बेटी को बचाने का डिसाइड करता है और अगले दिन चर्च के लीडर बिशप से मिलने चला जाता है जहाँ लीडर उसे एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन दे देते हैं। पीटर उन्हें नहीं बताता कि वो उसी की बेटी है। एक्सोर्सिज्म में अपनी हेल्प के लिए पीटर लंदन से फादर माइकल को बुलाता है। इसे हम मूवी के शुरू में देख चुके हैं। माइकल एक एक्सपीरियंस्ड फादर थे। खैर उन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि जो डीमन पीटर की बेटी के अंदर है उसका नाम बल बने है और वो हेल यानी नर्क के शैतान लूसीफर का बेटा है। पीटर को पता चल जाता है कि उस टाइम बलवन उसकी बॉडी से ही निकलकर उसकी बेटी एस्परांजा में आ गया। यह सुनकर माइकल कहता है कि जरूर तुम्हारे अंदर गॉड है जिसने तुम्हारी हेल्प की। पीटर उसे नहीं बताता कि वो पजेस्ड लड़की उसकी बेटी है। इसके बाद पीटर उसी रिकॉर्डेड टेप को आग में जला देता है जिसमें वो मैगेली के साथ इंटीमेट हुआ था। फिर हम उस टाइम का सीन देखते हैं जब मैगेली के अंदर से बलवन निकलकर पीटर के जरिए इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद मैगेली की फैमिली वहां आती है और अपनी बेटी को ठीक देखकर वो पीटर को शुक्रिया कहते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम चर्च में एक सिस्टर कैमिला को देखते हैं जो गॉड के सामने प्रे कर रही थी। तभी उसे भी अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसे भी वहाँ कुछ अजीब निशान मिलते हैं। वो उन निशानों का पीछा करती है। तभी अचानक उसके सामने एक डीमन आता है जो कि मदर मैरी के भेज में था। इसके बाद वो डीमन कैमिला पर अटैक कर देता है और उसकी बॉडी को पजेस्ड करके ऑर्फिनेज वाले बच्चों की तरफ जाने लगता है। वो बच्चों के कमरे में आता है जहाँ वो उस टाइम सो रहे थे। मैगेली उसे पहचान लेती है कि वो एक डीमन है। फिर वो बच्चों के पास जाने से रोकने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर पीटर और माइकल वहां आ जाते हैं और कैमिला पर एक्सोर्सिज्म करके उसे डीमन से आजाद कर लेते हैं। तभी पीटर बच्चों के पास जाकर देखता है। उन बच्चों को देखकर लग रहा था कि डीमन ने उन पर असर करना शुरू कर दिया है। खैर अगले दिन पीटर माइकल को लेकर उसकी जेल में आ जाते हैं जहाँ उसकी बेटी थी। वो सेल में आकर अपना एक्सोर्सिज्म शुरू करने ही वाले होते हैं लेकिन बलवन जो कि एस्परांजा के अंदर था वो उन्हें एक्सोर्सिज्म करने नहीं देता और अपनी बातों में बहकाने लगता है। इसके बावजूद माइकल और पीटर अपना एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं और उनके ऐसा करने से बलवन काफी गुस्से में आ जाता है और एस्परांजा की बॉडी को टॉर्चर करने लगता है। तभी बलवन गुस्से में आकर माइकल पर अटैक कर देता है और उसका कान काट लेता है। फिर नेल्सन उसे किसी तरह इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है इससे माइकल बच जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ की बाकी सेल्स में जो बंदी हैं वो किसी न किसी डीमन से पजेस्ड हैं। तभी यहाँ मैगेली भी आ जाती है और अपनी बेटी की कंडीशन को देखकर काफी दुखी होती है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो एस्परांजा के साथ साथ इस जेल के बाकी लोगों को भी डीमन से आजाद कर देंगे। वो ऐसा ही करते हैं और डीमन से पजेस्ड लोगों को बेहोश कर देते हैं। माइकल और पीटर एक कमरे में सब डीमन्स के लिए एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं। यहाँ माइकल पीटर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें बलवन पर काबू पाने के लिए उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करना होगा और न ही उसके साथ कोई सौदा करना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो डीमन इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। माइकल आगे बताता है कि हमें फादर नहीं बल्कि गॉड बनकर ही उन पर काबू पाना होगा, नहीं तो वो हम पर काबू पाकर सबको खत्म कर देंगे। इसके बाद पीटर वहाँ के सभी पुलिस वालों को घर भेज देता है इससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ मैगेली को यकीन हो जाता है कि उस दिन पीटर के भेष में डीमन ही उसके साथ इंटीमेट हुआ था। इसके बाद पीटर सबको जेल से बाहर करके एक्सोर्सिज्म करने के लिए अंदर आ जाता है। उन दोनों फादर के साथ केवल डॉक्टर नेल्सन और एक गार्ड ही मौजूद था। दोनों फादर अपना एक्सोर्सिज्म शुरू करने ही वाले थे लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और वो गार्ड भी उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ लाइट जाने के बाद नेल्सन लाइट के बोर्ड की तरफ जाने लगता है लेकिन रास्ते में उसे एक डीमन मिल जाता है जो उस पर अटैक कर देता है। उसकी चिल्लाने की आवाज से दोनों फादर उसके पास आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि नेल्सन काफी ज्यादा जख्मी है। वो उन दोनों को यहाँ से भागने को कहता है और मर जाता है। तभी वहाँ कई सारे डीमन आ जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद दोनों फादर यहीं पर
पर अपना एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ मदर मैरी वाला डीमन आ जाता है, जिसे देखकर माइकल थोड़ा घबरा जाता है और उससे ठीक से एक्सोर्सिज्म नहीं होता। तभी एक डीमन उस पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद पीटर उन्हें लेकर यहाँ से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बलवन वाला डीमन उन दोनों पर नजर रख रहा था। इसके बाद दोनों फादर उनसे बचकर जेल वाले किचन में आ जाते हैं और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं। यहाँ माइकल पीटर पर गुस्सा होता है और कहता है कि हमारी प्रेयर्स काम क्यों नहीं कर रही, यानी कि एक्सोर्सिज्म काम क्यों नहीं कर रहा। अब यहाँ पीटर उसे सब बातें बता देता है कि उस रात डीमन ने मुझे पजेस्ट करके मैगेली को प्रेग्नेंट कर दिया। ये सुनकर माइकल को काफी बुरा लगता है और समझ जाता है कि शायद इसीलिए ही पीटर की प्रेयर्स काम नहीं कर रही। लेकिन पीटर माइकल से कहता है कि तुम्हारी प्रेयर्स काम करने चाहिए और काम बनना चाहिए। अब यहाँ माइकल रिवील करता है कि उसने काफी टाइम पहले बलवन के साथ सौदा करके अपनी सारी पावर्स खो दी, यानी कि वो अब प्योर नहीं है, जिस वजह से उसकी भी प्रेयर्स काम नहीं कर रही। यहाँ माइकल पीटर से कहता है कि तुम डीमन से सौदा कभी मत करना, और यही कहकर उसकी मौत हो जाती है। अब डीमन दरवाजा खोलकर अंदर आने लगते हैं, जिस पर पीटर जल्दी से दूसरे कमरे में आ जाता है और खुद के फोन से वीडियो बनाने लगता है, जिसमें वो कहता है कि 18 साल पहले बलवन ने मुझ पर काबू होकर मैगेली को प्रेग्नेंट कर दिया, इससे उसे एक बेटी हुई। इसके बाद वो ये वीडियो हिम्मत करके विशप को सेंड कर देता है। फिर पीटर अकेले ही उन डीमन्स पर एक्सोर्सिज्म करने बाहर आ जाता है। उसे एक्सोर्सिज्म करने से वहाँ के डीमन्स को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ जीसस वाला डीमन आ जाता है, जो कि पीटर का सबसे बड़ा डर था। पीटर उनसे इस बार नहीं डरता और उन सभी पर होली वाटर डालने लगता है। तभी पीछे से बलवन आकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी डीमंस ने मिलकर पीटर को एक जगह बांध रखा है और उल्टा उस पर ही एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं, ताकि पीटर के अंदर का गॉड उससे बाहर निकल जाए, इसके बाद वो सब इस दुनिया पर राज करें। दूसरी तरफ वो मदर मैरी वाला डीमन बच्चों के पास आ जाता है, इससे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ कैमिला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो उस पर ही अटैक करने लगती है। इधर पीटर अपने अंदर के गॉड के जरिए सभी डीमंस की हालत खराब कर देता है। पीटर बलवन से अपनी बेटी को छोड़ने को कहता है, लेकिन बलवन उसके साथ एक डील करने को कहता है, इसमें वो ऑर्फेनेज के बच्चों के साथ साथ उसकी बेटी को छोड़ देगा, लेकिन बदले में उसे अपने अंदर के गॉड का सैक्रिफाइस करना होगा। पीटर मजबूरी में आकर बलवन के साथ वो डील कर लेता है। इस पर सारे डीमंस ऑर्फेनेज के बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं और बलवन भी एस्पेरांजा की बॉडी छोड़ देता है। अब पीटर अपनी बेटी को लेकर बाहर आता है, जहां मैगेली अपनी बेटी से मिलकर काफी खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर सभी बच्चों के साथ मिलकर चर्च में प्रे करता है। अब बच्चों की जान बचाने की वजह से लोग उसे असली गॉड मानने लगे थे और उनके मन में पीटर के लिए रिस्पेक्ट काफी बढ़ गई थी। उसकी ये बात न्यूज में भी आ जाती है। ये देखकर बिशप पीटर पर काफी प्राउड होते हैं। पीटर उनसे वीडियो के बारे में बात करने लगता है, जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने उस वीडियो को देखे बिना डिलीट कर दिया, क्योंकि वो पीटर से काफी ज्यादा खुश थे। वो जानते थे कि पीटर ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। यहाँ एस्पेरांजा और कैमिला आते हैं और पीटर को गले लगाकर काफी खुश होते हैं। एस्पेरांजा को अब तक नहीं पता होता कि उसके डैड पीटर ही हैं। तभी हम देखते हैं कि पीटर की आंखों का कलर बदल रहा है, यानी उसके अंदर अब बलवन आ गया है। वे सब उसे पहचान लेते हैं और काफी घबरा जाते हैं। बलवन यहाँ उन्हें बताता है कि पीटर ने ही बच्चों और अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने अंदर की गॉड की बलि दे दी है। इसी बीच हम देखते हैं कि एस्पेरांजा की आंखें भी बदल रही हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी इविल आत्मा नहीं थी, बल्कि उसके अंदर खुद गॉड थे। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि पीटर वेटिकन सिटी में है, यानी बलवन पीटर के जरिए अब पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।